लव मैरिज के 3 साल बाद पत्नी के बर्थडे के दिन दिया मौत का तोहफा। गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने लव मैरिज के 3 साल बाद पत्नी को बर्थडे के दिन मौत का तोहफा दिया है। पति ने पत्नी की गला काट कर हत्या कर दी और पति मौके से फरार हो गया। एक वर्ष पहले दोनों में विवाद हो गया था, जब तब से पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे। पति ने पत्नी को बर्थडे सेलिब्रेशन और गिफ्ट देने के लिए होटल बुलाया था, जहाँ पर उनकी हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी ट्रांसहेंडर के अनुसार मृतिका प्रियंका 3 वर्ष पूर्व हापुड़ निवासी अर्जुन से लव मैरिज की थी। उसकी 1.5 वर्ष की बेटी है। दोनों के बीच 1 वर्ष से विवाद चल रहा था, जिसके बाद से प्रियंका बेटी के साथ अपने मायके बुराड़ी दिल्ली में रहती थी और बजाज फाइनेंस कंपनी में काम कर रही थी। शनिवार को अर्जुन खोड़ा आकर होटल में रुका। रविवार को प्रियंका का बर्थडे था। अर्जुन ने प्रियंका को सॉरी बोल बर्थडे सेलिब्रेशन साथ करने और गिफ्ट देने के लिए होटल बुलाया। दिल्ली में रविवार को लॉकडाउन की वजह से प्रियंका नहीं आ पाई। सोमवार सुबह फिर फोन किया। इसके बाद पत्नी होटल आ गई। आरोप है कि बाथरूम में पति अर्जुन ने प्रियंका की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद जब अर्जुन होटल से भागने लगा तो रिसेप्शन पर मौजूद होटल कर्मचारी ने उसे रोक लिया। वह तुरंत लौटकर आने की बात कहकर जाने लगा। जब पत्नी के बारे में पूछा तो कर्मचारी को धक्का मारकर पति फरार हो गया। कर्मचारी ने कमरे में जाकर देखा तो प्रियंका का शव बाथरूम में पड़ा था, जिसके बाद कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर प्रियंका से मारपीट करते थे। परिजनों ने आरोपी पति अर्जुन के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दी, कार्यवाही की मांग की है। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।